हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के पापड़ बनाने की बहुत ही आसान विधि। इस विधि से आप चाहे जब भी आलू के पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 4 से 5 आलू को ले ली हूँ और इसे उबाल ली हूँ। उबालते वक्त आलू को आपको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। आलू उबालने के बाद अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपको पापड़ बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू अच्छे से ठंडा कर ली हूँ। अब आलू को क्या करना है, इसका छिलका हटा देना है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझ जाइएगा, उसके बाद ही आप पापड़ बनाइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, पापड़ ऐसा चीज़ है जिसे आप एक बार बनाए साल भर तक खाते हैं। यदि ख़राब हो जाता है तो एक तो सामान बर्बाद जाता है, एक आपका पापड़ में टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। जब आप उसे स्टोर करेंगे तो वो ख़राब भी हो जाता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। हर रोज़ आपके लिए एक नई नई वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू को पहले अच्छे से छील लेती हूँ। आलू हमारा अच्छे से छील चुका है, इसी तरीके से दोनों बचे आलू को भी छील के तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं ले ली हूँ बारीक वाला कद्दूकस करने वाला ग्रेटर। अब इसी पर आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। इस तरीके से करने से क्या होगा कि आलू में कोई भी गुठली नहीं बचेगा और एक जैसा आलू हो जाएगा, इसमें कोई भी गुठली। और हाथ से मैश करने से हो तो जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं गुठली रह ही जाता है। तो आप जैसे सुविधा आपको लगे उस तरीके से आप आलू को अच्छे से बारीक सा कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे आलू को इसी तरीके से घस के और आपको दिखाती हूँ। आलू का पापड़ का वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप पापड़ बना सकते हैं। आलू यहाँ पर अच्छे से ग्रेट हो चुका है, अभी वापस से इसे चम्मच से या कोई भी चीज़ से अच्छे से मिला लीजिए। अब ले लेती हूँ कोई बड़ा बर्तन और इसमें डाल देती हूँ आलू को। आप इस हिसाब से ज़्यादा आलू का पापड़ बनाइएगा, ऐसा नहीं है मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा रही हूँ वीडियो के लिए। ऐसे बहुत सारा आप आलू का पापड़ बना के रख सकते हैं। जिस दिन धूप निकले उस दिन ही इस पापड़ को आप बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंखे के हवा में भी पापड़ को आप आराम से सुखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा सूखने में। और धूप में सुखाइएगा तो 2 से 3 दिन में ही बहुत अच्छे से आलू का पापड़ तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें डाल देती हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा। मसाला आप अपने पसंद से डाल लीजिएगा, आपको जैसा चटपटा बनाना है। और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा अजवाइन। जीरा और अजवाइन दोनों डाली हूँ। थोड़ा सा इसमें डाल देना है यहाँ पर काली मिर्च कुटा हुआ, ये भी डाल दीजिए। थोड़ा सा इसमें जाएगा हींग और साथ ही में जाएगा थोड़ा सा कुटा हुआ चिली फ्लेक्स। आप अपने पसंद से इसमें चाहें तो ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा तीखा डालिए, और कम तीखा बनाना चाहते हैं तो आप कम डालिए। अब इसमें डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। अब सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देना है। आप यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें चाहें तो बारीक धनिया पत्ती भी कट करके डाल सकते हैं, या कड़ी पत्ती भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। आपको जो फ्लेवर का बनाना है आप इसमें डाल के बना लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा पापड़ बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, और भी पापड़ का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे पापड़ बिना बेले बिना गुथे हुए आटा बना के दिखाई हूँ, जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आप यदि नए हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, और आपको जो भी अच्छा लगता है पापड़ उस पापड़ को आप बनाइए। कहीं भी आपको दिक्कत होता है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत ही उस आपके सवाल का जवाब दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर ली हूँ। आलू जितना अच्छा से मिक्स कीजिएगा उतना अच्छा आपका पापड़ गोल गोल सा बनेगा और बिल्कुल भी टूटेगा फटेगा नहीं। तो देखिए इस तरीके का आलू हमारा पूरा बारीक हो चुका है, बहुत अच्छा इसमें स्टार्च सा आ गया है, बहुत अच्छा। तो अब इसी से आलू का पापड़ हम बना के आपको दिखाते हैं बहुत ही अच्छा से। थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा के और मिक्स करना है, और उसके बाद देखिए कितना अच्छा से ये हो रहा है गोला, यानी ये हो चुका है। अब चलिए इसका पापड़ बना के आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। आपके हाथ पर ये चिपक रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा हाथ पर तेल लगा के आप इसका गोला बना सकते हैं। पापड़ बड़ा छोटा जैसा बनाना चाहते हैं वैसा आप पसंद से बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं ली हूँ पॉलीथीन,
जो आटा का खाली पैकेट होता है वही ली हूँ, उसमें बहुत अच्छा पापड़ बन के आता है। आपके पास जो भी पॉलीथीन है ले लीजिए, लेकिन इस पापड़ को आप कपड़े पर मत बनाइएगा, जब भी बनाइएगा तो पॉलीथीन के ऊपर ही बनाइएगा, इसे चिपकेगा नहीं। अब ले ली हूँ एक छोटा सा पॉलीथीन जो कि कपड़ा उपड़ा में आता है वही है, इसका छोटा सा टुकड़ा कट कर ली हूँ। इसमें भी हल्का सा तेल लगा के एक तरफ से ग्रीस कर लेना है, और जिस पे आप डाल रहे हैं पापड़ उस पे भी तेल लगा के ग्रीस कर लेना। तो यहाँ पर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कीजिएगा, सरसों तेल नहीं लगाइएगा। सरसों तेल लगाने से क्या होता है, जब आप पापड़ स्टोर करेंगे ना तो पापड़ कुछ दिन के बाद उसमें अजीब सा महक आ जाता है, और इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, इसमें कोई सुगंध नहीं होता है रिफाइंड तेल में, तो इससे कोई महक नहीं आता है। अब छोटा सा एक गोला ले ली हूँ, इसके ऊपर डाल दी हूँ पॉलीथीन, तो जिधर से तेल लगा है वो नीचे की ओर है। अब इसे कोई भी प्लेट से या रोटी बनाने वाला चकला होता है ना, उससे किसी भी चीज़ से आप इसे दबा के शेप दे दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पापड़ का शेप हमारा आ गया है, और छोटा छोटा सा ही पापड़ बनाइएगा आलू का, बहुत ही अच्छा लगता है, और कम तेल में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत बड़ा पापड़ का साइज रहता है तो उसके लिए आपको बहुत सारा तेल कढ़ाई में डालना होगा, उसके बाद ही आप फ्राई कीजिएगा, और आलू का पापड़ छोटा छोटा ही अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी तरीके से पापड़ को बना के आपको दिखाती हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले फ्रेंड्स। हर रोज़ आपके लिए एक नई नई वीडियो लेके आती रहती हूँ, और भी आपको कोई वीडियो चाहिए पापड़ का या कोई भी ऐसा रेसिपी का जो कि मैं बना सकूँ आसान तरीके से, तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस रेसिपी को भी डालने का कोशिश करूँगी। और पापड़ का चाहिए होगा तो आप तुरंत ही हमें बताइएगा कि इस चीज़ का पापड़ चाहिए हमें, तो डाल दूंगी उसका भी वीडियो। ऐसे बहुत सारा पापड़ फ्राइम्स का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, जो कि बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट होता है फ्राइम्स, तो आप देख सकते हैं और उसे भी बना के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सारे पापड़ को बना के और तैयार कर लियो, देख पा रहे हैं कितना अच्छा गोल मटोल सा हमारा पापड़ बना है आलू का, और इसका कलर भी देखिए बिल्कुल भी डार्क नहीं लग रहा है, सूखेगा तो भी बहुत अच्छे से ये आएगा। तो चलिए फ्रेंड जब पापड़ हमारा सूखता है फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा हुआ है पापड़। तो देखिए फ्रेंड्स पापड़ सूखने के बाद कुछ ऐसा बना है, एक भी पापड़ टूटेगा फटेगा नहीं, और बहुत अच्छा गोल मटोल सा पापड़ बनता है। तो इस पापड़ को मैं धूप में सुखाई थी तो इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, और आप चाहें आपके यहाँ धूप नहीं है, अभी तो धूप बहुत जगह नहीं उगता है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो आप पंखे के हवा में भी बना ले, सूख जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक से दो पापड़ आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो रहा है, और आलू के पापड़ को बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना होता है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालिएगा ना तो इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा जैसा हो जाता है, तो कम मीडियम गरम तेल होना चाहिए। देखिए जैसा कि मैं डाल के पापड़ को आपको दिखा रही हूँ तो आप समझ गए होंगे, इसी तरीके से आलू का पापड़ को फ्राई किया जाता है, और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाता है। आलू तो पहले से उबला हुआ होता है तो इसको बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स एक पापड़ आपको और फ्राई करके दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा टेस्टी पापड़ हमारा बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर पापड़ हमारा तल के तैयार हो गया है, इस पापड़ को आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये पापड़ वाली रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स जाते जाते एक बार और याद दिला दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।